हैदराबाद, ऐतिहासिक चार मीनार और गोलकोंडा किले के लिए जाना जाने वाला ये मोतियों का शहर विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के लिए भी जाना जाता है और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स उन शोध संस्थानों में से एक है जो इस शहर को दुनिया के मानचित्र पर रखता है। सीडीएफडी यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त शासित संस्थान है। 1996 में स्थापना के बाद से सीडीएफडी का नेतृत्व डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर सैयद हसनैन, डॉक्टर जे गौरीशंकर, डॉक्टर जी आर चांडक, डॉक्टर रंजन सेन और डॉक्टर देवाशीष मित्रा ने किया है। समाज को लाभान्वित करने के लिए नई तकनीक डीएनए प्रोफाइलिंग और इस पर आधारित निदान सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान भी करने की एक अनूठी सोच के तहत सीडीएफडी को स्थापित किया गया है। सीडीएफडी एक अनोखा अनुसंधान केंद्र है जहां अनुसंधान के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स की सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं। इन वर्षों में सीडीएफडी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका, फोरेंसिक वैज्ञानिकों, वकीलों और लोगों की सहायता के लिए अपराध जांच और आनुवांशिक निदान में डीएनए प्रोफाइल विश्लेषण तकनीक के मूल्यों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1996 में सीडीएफडी की शुरुआत हुई और समय के साथ ये एक बड़े संगठन के रूप में विकसित हुआ है। इसमें कई प्रयोगशालाएं हैं जहां आधुनिक जीव विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान किए जाते हैं। सीडीएफडी का प्रयोगशाला परिसर इस समय हैदराबाद के उप्पल क्षेत्र में स्थित है, जिसका उद्घाटन 12 अगस्त 2018 को माननीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीडीएफडी की प्रयोगशालाएं पूरे वर्ष 24 घंटे और सातों दिन खुली रहती हैं। पिछले दो दशकों से इस संस्थान को भारत में डीएनए आधारित फोरेंसिक पहचान और नैदानिक सेवाओं में सबसे आगे रखा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीडीएफडी की फ्लैगशिप सेवा प्रयोगशालाओं में से एक है और मानव पहचान के लिए इस तकनीक को व्यवहार में लाया जाता है। हमारे देश में डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए सीडीएफडी अन्य संस्थानों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है। केंद्र ने निठारी हत्याओं, समझौता एक्सप्रेस कांड, मैंगलोर हवाई अड्डे की आपदा और उत्तराखंड बाढ़ सहित कई घटनाओं में कानून निर्माताओं और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीडीएफडी ने कई जानवरों और पौधों की प्रजातियों को समझने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को आगे बढ़ाया है। इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारतीय बासमती चावल के डीएनए मार्कर पर आधारित प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना था। जब भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को बासमती से किसानों को हो रही भारी राजस्व हानि रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, तब सीडीएफडी ने तुरंत शुद्ध बासमती किस्मों का डीएनए पर आधारित प्रमाणीकरण करके इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। इसकी मदद से बासमती किस्मों में 1% से भी कम मात्रा की मिलावट की पहचान की जा सकती है। जब ये प्रक्रिया विकसित हो रही थी, उसी दौर में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा सीडीएफडी केंद्र की स्थापना की गई। 2005 के बाद से एपीडा सीडीएफडी केंद्र निर्यात निरीक्षण परिषद यानी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ईआईसी वाणिज्य मंत्रालय सरकार के लिए बासमती चावल की शुद्धता का परीक्षण करता रहा है। सीडीएफडी के प्लांट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लैब ने
बासमती की सर्टिफिकेशन में अनोखा योगदान दिया है। CDFD बासमती की शुद्धता की सर्टिफिकेशन करती है और ये निर्यात के लिए आवश्यक है। CDFD की बासमती सर्टिफिकेशन ने भारत सरकार की हजारों करोड़ों की बचत की है। CDFD में दूसरी फ्लैगशिप सेवा प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक्स डिवीजन है। हमारे समाज में आनुवांशिक विकारों के बोझ को जन्म से पूर्व निदान द्वारा कम किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक्स डिवीजन इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है, जो जैव रासायनिक, आणविक और साइटोजेनेटिक्स पर आधारित निदान सेवाएं प्रदान करता है। CDFD अपनी विज्ञान को समाज के ओर ले जाने के लिए नया फ्लैगशिप प्रोग्राम चालू किया है। इसमें हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स और ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन को और भी आगे बढ़ाने की प्रयत्न करेंगे। इन सेवाओं को 2008 में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन की स्थापना के माध्यम से और बढ़ावा मिला। डायग्नोस्टिक्स डिवीजन मेडिकल जेनेटिक्स में DNB कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सकों के प्रशिक्षण में भी शामिल रहा है। CDFD आधुनिक जीव विज्ञान के सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान करता है, जिसमें सिंपल यूनिसेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स यानी सरल एक कोशीय जीवन रूपों से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर लाइफ फॉर्म यानी जटिल बहुकोशिकीय जीवों पर शोध किया जाता है। CDFD के कई शोधकर्ता ईकोलाई का उपयोग करके मौलिक जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वे बैक्टीरिया की झिल्लियों के पार सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के न्यूट्रिशनल स्ट्रेस पर शोध किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में mRNA यानी मैसेंजर RNA संश्लेषण यानी mRNA सिंथेसिस की मूलभूत प्रक्रिया, जिसे ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन भी कहा जाता है, की आणविक प्रक्रिया पर भी शोध किया जा रहा है। इसके अलावा उन तंत्रों का भी अध्ययन किया जा रहा है जिनमें बदलाव करके रोगजनक सूक्ष्म जीव मनुष्यों और पौधों में बीमारी पैदा करते हैं। वैज्ञानिक तपेदिक के नियंत्रण, BCG की वैक्सीन इत्यादि क्षेत्र में भी अध्ययनरत है। यहां मानव में कैंडिडा ग्लैबराटा नामक यीस्ट की रोग जनन प्रक्रियाओं पर भी शोध किया जा रहा है और कुछ सरफेस प्रोटीन्स की खोज की गई है जो इस प्रक्रिया में यीस्ट के लिए मददगार होता है। मलेरिया के साथ साथ कुछ मानव न्यूरो डीजेनरेटिव रोगों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। फसल में जीवाणु संक्रमण से कृषि क्षेत्र में गंभीर आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए इनका अध्ययन जरूरी हो जाता है। इन हानिकारक जीवाणुओं द्वारा पौधों में संक्रमण कैसे होता है, इसके कारण और परिणाम को लेकर भी CDFD में अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य की रणनीतियों को विकसित करने के लक्ष्य के साथ रोगों की गंभीरता को कम किया जा सके और महत्वपूर्ण फसलों में नुकसान को भी कम किया जा सके। वर्षों से मॉडल जीवों पर शोध ने मानव स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित बुनियादी प्रक्रियाओं को समझने में उनकी उपयोगिता को सफलतापूर्वक दिखाया है। CDFD में शोधकर्ता फलों पर बैठने वाली मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जैसे मॉडल जीवों का उपयोग करके न्यूरल स्टेम सेल की विकास प्रणाली पर भी अध्ययन कर रहे हैं। CDFD में बुनियादी कोशिका जीव विज्ञान अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों का एक बहुत सक्रिय समुदाय है। कोशिका जीव विज्ञान के अध्ययन में फॉस्फेट युक्त बायोमोलिक्यूल के जैव रासायनिक, कोशिकीय और शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं। ये अध्ययन इन अणुओं से प्रभावित कोशिकीय प्रक्रियाओं की जाँच करते हैं। एक अन्य अध्ययन से ये समझने की कोशिश की जा रही है कि मानव कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की सरल प्रक्रिया को प्रमुख प्रोटीन इंटरैक्शन नेटवर्क द्वारा कैसे किया जा सकता है, जो कैंसर कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के पीछे के आधार को समझने में भी मदद करता है। CDFD में सामान्य कोशिकाओं के साथ साथ सामान्य कोशिकाओं में कार्यात्मक प्रोटीन इंटरैक्शन नेटवर्क की भूमिकाओं की जाँच की जा रही है। ये अध्ययन मानव रोगों के लिए नए दवा के लक्ष्यों की पहचान करने में सहायता करता है।
दो अनुसंधान प्रयोगशालाएं विकास और बीमारी के दौरान जीन अभिव्यक्ति के एपिजेनेटिक विनियमन की जांच कर रही हैं। डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में क्रोमैटिन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सीडीएफडी कई गैर संचारी बीमारियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए उससे संबंधित शोध में लगा हुआ है। यह प्रयोगशाला इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही है, जिससे कि भारत में कैंसर के उप प्रकारों के कारणों, निदान, उपचार और रोकथाम में सफलता मिल सके। इस काम में संलग्न ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और बुनियादी शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का समर्थन है। दूसरा समूह टाइप 2 मधुमेह, गठिया और अल्जाइमर सहित कई रोगों की पहचान करने के लिए अनुसंधान कर रहा है। गर्भावस्था के दौरान इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को समझने के लिए भी सीडीएफडी की एक प्रयोगशाला काम कर रही है। सीडीएफडी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए प्रशंसा, सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा है। सीडीएफडी हम लोग को प्रमोट करता है कि हम लोग वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाके पार्टिसिपेट करें। वहाँ पे हम लोग अपना काम प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, जहाँ से हम लोग जहाँ पे हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे काफ़ी सारे हम लोग कोलैबोरेशंस बनाते हैं। स्थापना के बाद से ही सीडीएफडी के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा सेतु के तत्वाधान में और भारत सरकार की इंस्पायर, जिज्ञासा और विज्ञान ज्योति पहल के तहत सीडीएफडी के वैज्ञानिकों ने देश भर के कई स्कूलों में मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों को ज्ञान प्रदान किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीडीएफडी देश में भविष्य के वैज्ञानिकों का पोषण कर रहा है और इस समय 100 से अधिक पीएचडी छात्र सीडीएफडी के अंतर्गत शोध कर रहे हैं। केंद्र की वैज्ञानिक गतिविधियों का कई विभागों द्वारा समर्थन किया जाता है। हमारा सीडीएफडी का हॉस्टल बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो सेफ है, स्पेशियस है और हमारे हॉस्टल में इलेक्ट्रिकल फेंसिंग भी है और हमारा सीडीएफडी का हॉस्टल मेट्रो से बहुत ही नज़दीक है और हमें सीडीएफडी के थ्रू शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है रोज़ हॉस्टल से इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से वापस हॉस्टल आने के लिए।